तस्वीर भी आज की दिखा देते हैं और वो है पावरफुल अपाचे की तस्वीर, जिसके बाद और ज्यादा जो भारतीय वायुसेना है उसकी शक्ति बढ़ने वाली है। अपाचे की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दुनिया का सबसे घातक अदृश्य हमलावर भी इसे कहा जाता है। वायुसेना की ताकत इसके बाद अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। अहम खबर, पहली बार इंडियन न्यूज पर आप देख रहे हैं इंडियन अपाचे सबसे घातक अदृश्य हमलावर, और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लादेन को मौत के घाट उतारने वाला ये फाइटर प्लेन है। तो इंडियन न्यूज पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर है हम अपाचे की आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना की शक्ति ताकत इसके बाद अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, और इन तस्वीरों को देख करके जो दुश्मन हो वो भी शायद कांपने लगेगा, थर्राने लगेगा। पहली तस्वीर इंडियन अपाचे की इंडियन न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान की घबराहट और बेचैनी भी इन तस्वीरों को देखने के बाद जरूर बढ़ने वाली है। अब उसे यह पता चल गया है कि भारत के पास अब अदृश्य बाहुबली आ गया है जिसका नाम है अपाचे। रडार भी इसे पकड़ नहीं सकता है। और यह भी आपको बताया कि लादेन से आतंक के आखा को इसने मार गिराया था, लादेन को मारने वाला भी अपाचे ही था, और अब पठानकोट एयरबेस पर इसकी तैनाती हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तान जरा भी अगर हिमाकत करेगा तो उसका काल बन करके उड़ान भरने आ पहुंचेगा अपाचे। पहली बार भारत के टीवी चैनल पर दुनिया के सबसे घातक अदृश्य हमलावर, लादेन को मौत के घाट उतारने वाला फाइटर। पहली बात देखिए इंडियन अपाचे। हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पहले विजुअल या फिर वो तस्वीरें जो भारत की वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा करने वाली है। दरअसल करीबन 30 किलोमीटर दूर भासौर इंटरनेशनल बॉर्डर से ये एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसों में से एक है। इसकी सबसे खास बात यह कि ये वो फॉरवर्ड लोकेशन है जहां से पाकिस्तान या फिर दूसरे जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनको जवाब देने की सबसे कारगर कार्रवाई भी की जा सकती है। आसमान में ताकत का सबसे बड़ा सरताज, जो सुपर पावर का सबसे घातक हथियार, गल्फ वॉर में जो सबसे खतरनाक साबित हुआ, अब पाकिस्तान खबरदार क्योंकि आ गया है अपाचे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं ये ग्लैडिएटर्स। ग्लैडिएटर्स यानी वो लड़ाकू जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसको बर्बाद करने की पूरी क्षमता रखते हैं, यानी अपाचे। और अपाचे हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद भारत की क्षमता किस तरह से बढ़ेगी उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन एम शालू हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप पहले ग्रुप कैप्टन होंगे, सीओ होंगे जो इसको देखेंगे। और खासतौर पर जब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके आने से भारत की क्षमताएं किस तरीके से बढ़ेंगी। ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है इसके मिसाइल्स सबसे वर्ल्ड से सबसे अच्छे मिसाइल है। वर्ल्ड में ये 40 साल से ये जहाज उड़ रहे और बाकी बहुत कंट्रियों के पास ये हेलीकॉप्टर है। इसका मिसाइल का रेंज है 8 किलोमीटर और ये डे नाइट ऑपरेशंस के लिए सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का। अपाचे यानी AN-64 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर हेलीकॉप्टर जो अब इंडियन एयरफोर्स की शान बन गया है। सबसे खास बात यह है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लग पाती, ये रडार की पकड़ में नहीं आता, इसीलिए अपना काम बेहद फुर्ती से कर देता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसके अंदर कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। ये दो लोग बैठते हैं, पायलट एंड को पायलट ऑन। यस, और इसकी जो आपने बताया कि जो क्षमता है ये हम देख रहे थे कि इसकी जो मिसाइल पावर है ये कितने मिसाइल पावर इसमें आ सकती है। इसमें ये आप जो दिखा रहे हैं ये रॉकेट पॉड है और उसके बगल में जो है वो है मिसाइल, जहां पे मिसाइल लॉन्च लगते हैं। चार मिसाइल यहां पे लग सकते हैं, चार मिसाइल उस तरफ भी लग सकते हैं, आठ मिसाइल अगर आप रॉकेट पॉड निकालेंगे तो फिर और चार चार
टोटल 16 मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। 19 रॉकेट लॉन्चर्स यस। इनकी लेंथ कितना होता है, कितनी कैपेसिटी? कैपेसिटी 19 है और रेंज मैक्सिमम इज 7.5 किलोमीटर। चार साल पहले 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा अमेरिका के साथ हुआ था, जिसकी पहली खेप पिछले साल हिंडन एयरबेस पहुंची, जबकि दूसरी खेप पठानकोट एयरबेस पर तैनात की जा रही है, जिसमें शुरुआत में 8 अपाचे की तैनाती होगी, जिसके बाद 2022 तक कुल 22 अपाचे भारत की एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स में जो दूसरी खासियत होती है वो होती है इसकी जो गन मशीन या फिर दूसरी, सर करीबन 1200 फायर ये कर सकती है गन मशीन, और क्या रेंज होती है इस गन मशीन की भी? इसको 4.2 किलोमीटर तक इसका कंप्यूटेड रेंज है एंड इसका एक्यूरेसी 3x3 मीटर्स का है। और सर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि भारत लगातार जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है या फिर जिस तरीके से टेररिज्म हो या दूसरी चीजें हो, उस एडवर्सरी से लड़ने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो उस ऐसे मिशंस के अंदर, क्योंकि जब हम कहते हैं स्मॉल मिशंस या फिर बहुत जल्दी मिशंस को पूरा करके आना हो आपके लिए स्मॉल मिशंस हो, उसमें किस तरीके से कारगर है ये? अभी हमें अगर कोई टास्क ऐसे मिल जाए, इसको हम रेडी रखेंगे इस जहाज को, और हमारा नॉर्मल जो है ऑपरेशंस में भी आधे घंटे के अंदर हम एयरबोर्न हो सकता है, उसके बाद जो टारगेट को हमला करके वापस आ सकता है। पठानकोट एयरबेस के पीछे भारत की रणनीति है। दरअसल पठानकोट बेस ही पाकिस्तान के सबसे नजदीक है, जिससे जंग या आतंकी हमले की स्थिति में पठानकोट से कुछ मिनटों में अपाचे उड़ान भरकर एक्शन ले सकते हैं, फिर वो चाहे सियाचिन जैसा इलाका हो या फिर एलओसी के पास दुर्गम इलाका। कहा जाता है कि ये खासतौर पे जब है करीबन 2.5 से 3 घंटे फ्लाई कर सकता है, और कितना पेलोड है जो मैक्सिमम ये अपने साथ लेके चल सकता है जब वेपनरी की बात करें? ये वेपनरी के बात अगर देखोगे तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी करीब 3000 पाउंड है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है ये कौन सी ऑल्टीट्यूड में या कौन सी एलिवेशन में इसको एम्प्लॉय करता है। यानी और एलिवेशन की बात करें, जैसे हम बात करते हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड की करीबन 6 किलोमीटर के जा सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं खासतौर पर अरुणाचल की या फिर सियाचिन जैसे हाई ग्लेशियर्स एरियाज के, तब वहां पर इसका ऑपरेशन कैसा पार्ट है? ये 6 किलोमीटर तक इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अभी इसको पूरा एम्प्लॉयबिलिटी जैसे है हम ट्राई करके उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अपाचे दुनिया भर में मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में अमेरिका ने अब तक 2100 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई की। भारतीय वायुसेना में अपाचे पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सबसे पहले किसी भी जंग के लिए भेजा जाएगा। हालांकि वायुसेना रूस निर्मित Mi-35 का इस्तेमाल सालों से कर रही है, लेकिन ये अब रिटायरमेंट के कगार पर है। अपाचे को इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करके ये उसे तहस नहस कर सकता है। भारतीय वायुसेना में पहले इंडक्ट होंगे 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, यानी इनकी कमीशनिंग होगी पहले 8 की, और उसके बाद 2020 तक करीब करीब 22 के 22 हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। खास बात यह कि करीबन 2015 से ही इनकी इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट था, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हो या फिर दूसरी जो टीम थी वो लगातार इसके ऊपर सीखने भी गई होती। यही वजह है कि इनकी खासियतों को देखते हुए अब न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में बल्कि इंडियन आर्मी के अंदर भी करीब करीब 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन किया जाएगा, जो करीब करीब 2017 के अंदर इसका प्रोसेस स्टार्ट किया था इंडियन आर्मी के लिए, और ये प्रोसेस भी जल्द ही पूरा हो जाएगा, यानी 2021 से इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। एक सबसे अगर आप बात खास बात मैंने आपको तमाम इसके पेलोड्स की इसके वेपनरी की बता दी, इसके मिसाइल्स की या फिर इसकी दूसरी चीजों की रॉकेट लॉन्चर्स की बता दी, 19 रॉकेट लॉन्चर है, 4 मिसाइल इस तरफ 4 मिसाइल इस तरफ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कॉकपिट में। दरअसल कॉकपिट के अंदर ऐसा क्या है जो इस हेलीकॉप्टर को अलग बनाता है, वो ये है कि इसके हेलीकॉप्टर्स के जो हेलमेट है उस पर स्क्रीन पे सभी अटैकिंग पोजीशंस या फिर उसके ग्राफिक्स या एवियोनिक्स सभी आ जाते हैं, और यही खास बात है जो इस हेलीकॉप्टर को अलग भी बनाते हैं। यानी आने वाले वक्त में हमारे पायलट्स को ना सिर्फ नीचे, क्योंकि इससे पहले जितने भी जो पुराने हेलीकॉप्टर थे उसमें आपको नीचे या फिर इसके नीचे देखकर उस पर अटैक करना होता था, लेकिन अब इसके इसको कहते हैं कि जो यंग जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन जो हेलीकॉप्टर इसके आ जाने के बाद वो सब प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कम वक्त में कम समय के अंदर आप अपने दुश्मन के इलाकों के अंदर किस तरीके से टारगेट को अचीव या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बेमिसाल चीज है। यही वजह है कि 1980 के बाद से ही करीब करीब अमेरिका इसको कई बड़े ऑपरेशन में, गल्फ वॉर हो, अफगानिस्तान हो, उसमें इस्तेमाल कर चुका है, और यही वजह है कि भारत भी इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के साथ अपने दूसरे बड़े ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अपाचे को क्यों कहा जाता है अदृश्य बाहुबली। रडार से भी पकड़ पाना नामुमकिन है, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से ये उड़ सकता है। अपाचे 16 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा है। अपाचे को उड़ाने के लिए दो इंजन लगे होते हैं, बड़े विंग को उड़ाने के लिए दो इंजन की जरूरत होती है और इसी वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। अपाचे को उड़ाने के लिए दो पायलट जरूरी होते हैं। अपाचे 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता रखता है, एक मिसाइल एक टैंक को तबाह करने के लिए काफी है। अपाचे 30 mm की मशीन गन से लैस है जिससे एक बार में 1200 राउंड फायर हो सकता है। अपाचे हाइड्रॉन गाइडेड रॉकेट लगा होता है इसमें जो निशाने पर अचूक वार करता है। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है, एक बार में 2.5 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। तो अपाचे बेहद शक्तिशाली है और उसी अपाचे की यह सीधी तस्वीरें आपके सामने है। दुश्मन थर्रा जाए डर जाए, ये वो शक्तिशाली अपाचे है और अब जबकि ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान को हराने वाला कोई भी शायद दुनिया में नहीं है। जंगल हो, पहाड़ हो या फिर बर्फीली वादियां, अपाचे अचूक है। अपाचे की मार से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अपाचे तकनीकी रूप से बेहद आगे है जहां कोई दूसरा फाइटर क्राफ्ट नहीं ठहरता है। अपाचे 30 mm की मशीनरी से लैस है जिससे एक बार में 1200 राउंड फायर हो सकते हैं। अपाचे एंटी टैंक हेल फायर एंटी टैंक मिसाइल से लैस है, एक मिसाइल या एक टैंक को तबाह करने के लिए काफी है। एक बार में 16 मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसमें हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट लगा होता है जो निशाने पर अचूक वार करता है। अपाचे की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी खूबियों वाले अपाचे की दूसरी खेप को पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया गया है जिससे पल भर में पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद किया जा सके। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरें बिना ब्रेक के मेरी सहयोगी कंचन के साथ।